सेक्स चेंज सर्जरी कौन कौन से टाइप के हैं और इसमें बेहतर सर्जरी कौन से हैं? नमस्कार, मेरा नाम है नीसरा और मैं एक ट्रांस वुमन हूँ। इस वीडियो में हम सेक्स चेंज सर्जरी के बारे में बात करेंगे, कौन कौन के टाइप्स के सेक्स चेंज सर्जरी है, या जेंडर चेंज सर्जरी या जेंडर रीअफर्मेटिव सर्जरी, जो भी आप इसे बुलाओ, इसके कौन से टाइप्स हैं और इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। सेक्स चेंज सर्जरी जो कॉमनली परफॉर्म होते हैं, तीन टाइप के हैं। एक तो है पेनाइल इन्वर्जन, दूसरा सिग्मोइड कोलन, तीसरा पेरिटोनियल पुल थ्रू। तो पहले बात करेंगे पेनाइल इन्वर्जन क्या है। यूजुअली पेनाइल इन्वर्जन एक बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड सेफ टेक्निक है। इसमें क्या होता है, जो आपके स्क्रॉटल टिश्यू है यानी जो वृष्णकोश की स्किन है, उससे वजाइना का बाहरी पार्ट जैसे लेबिया मजोरा और लेबिया माइनोरा बनता है, और जो आपकी पीनस का जो स्किन है उससे आपका वजाइनल कैनाल यानी योनी बनती है, और जो आपका पीनस का ग्लांस है यानी पीनस का जो हेड होता है उससे क्लिटरस यानी भाग शेप बनता है, और जो वजाइना का जो सेंट्रल पोर्शन है जो क्लिटरस के नीचे होता है, भाग शेप के नीचे होता है, वो यूजली जो यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग के हिस्से से बनता है। ये काफी ट्राइड एंड टेस्टेड यानी जाना माना टेक्निक है और ये काफी सेफ टेक्निक है। इसमें जो कॉन्स मैं कहूंगी ये है, वजाइनल कैनाल जो है इतना सेल्फ लुब्रिकेटिंग नहीं होता। दूसरा टेक्निक सिग्मोइड कोलन। सिग्मोइड कोलन में जो होता है, आपके जो सिग्मोइड कोलन है जो मलद्वार है उसका एक सेक्शन लेके उससे वजाइना क्रिएट किया जाता है। इसमें पहले टेक्निक पीआई के जैसे ही जो आपके स्क्रॉटल स्किन से बाहरी वजाइना बनाया जाता है, वजाइना के जो लिप्स होते हैं उसे स्क्रॉटल स्किन से ही और पेनाइल स्किन से बनाया जाता है, पर जो वजाइना का कैनाल है उसे आपके मलाशय यानी कॉलन के एक हिस्से से बनाया जाता है। इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि वजाइना जो है सेल्फ ल्यूब्रिकेटिंग है, पर इसके कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी है, जैसे कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है और कई बार वजाइना से पहले कुछ गंदे स्मेल आने के भी चांसेस है। सिग्मोइड कोलन काफी इन्वेसिव सर्जरी है, इसमें रिकवरी के लिए भी काफी टाइम लगता है। ये था सिग्मोइड कोलन। तीसरा है पेरिटोनियल पुल थ्रू एंड फोल्ड टेक्निक। इसमें जो होता है, जो वजाइना का बाहरी हिस्सा आपके पीनस और स्क्रॉटम के स्किन से बनाया जाता है, और जो वजाइना का कैनाल है इसे पेरिटोनियम एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे शरीर के अंदर होता है, उससे फोल्ड करके बनाया जाता है वजाइना का कैनाल। ये एक बहुत ही नया टेक्निक है और जहां तक मैं जानती हूँ, मुझे पता नहीं है कि ये सच है कि नहीं, ये टेक्निक काफी बार सिसजेंडर वुमेन जिनके वजाइना काफी छोटा है और जिनका वजाइना नहीं है उन पे किया जाता था पहले, अब ये ट्रांसजेंडर वुमेन में भी किया जा रहा है। ये काफी नया टेक्निक है, इसमें काफी ज्यादा डेटा नहीं है इसके बारे में। सुनने में आया है कि ये काफी अच्छा टेक्निक भी है, आजकल कई डॉक्टर्स इंडिया में भी ये करना शुरू किया है, कई डॉक्टर्स ने, जैसे रिचि गुप्ता दिल्ली में और नरेंद्र कौशिक, ये सारे अब पेरिटोनियल पुल थ्रू भी करते हैं। ये था पेरिटोनियल पुल थ्रू। तो इसमें बेस्ट टेक्निक कौन सा है मैं नहीं जानती, क्योंकि हर टेक्निक के प्रोज एंड कॉन्स है और आपके पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से आपको सोच समझ के ये स्टेप लेना होता है, क्योंकि सर्जरी एक बहुत बड़ा और काफी दर्दनाक प्रोसेस है, इसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं और हर किसी की बॉडी अलग है और हर किसी की सिचुएशन अलग है, उसके मुताबिक आपको अपनी सर्जिकल टेक्निक चुनना होता है। ऐसा नहीं है कि एक टेक्निक दूसरे टेक्निक से काफी बेहतर है, ये आपके पर्सनल सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा टेक्निक आपके लिए बेहतर होगा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।